हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर और फिर से आप सबों को स्वागत करता हूँ अपने सागर टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सुबह का जो वीडियो है, ये कंप्यूटर सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है और आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखने वाले हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ये सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग जानेंगे कि जनरली जो कंप्यूटर होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जनरली जो कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो एक कंप्लीट कंप्यूटर आपके सामने में आ जाता है। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर ये हार्डवेयर क्या है और ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी से भी रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके लिए, बाकी जो डिटेल्स अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बट बेहतर होगा कि जो मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेफिक्र होके सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको दे सकूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर मुख्यतः दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर आप ऐसे समझिए कि हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको भी आप छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर हो गया। अभी कंप्यूटर में क्या है, रैम लगा होता है तो रैम को आप छू सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा होता है आप उसको छू सकते हैं, सीपीयू लगा होता है आप उसको छू सकते हैं, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, सीडी रोम हो गया, आपका कैबिनेट हो गया, डिस्प्ले हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी है जिसको आप छू सकते हैं ये हमारा हार्डवेयर का पार्ट होता है। आई थिंक हार्डवेयर क्या है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर कोई समझने पाए बेसिक चीज़ कंप्यूटर का, मैं इसलिए ज़्यादा हाई लेवल पर लेके नहीं जा रहा हूँ ताकि हर कोई समझ जाए कि आखिर ये है क्या, कंप्यूटर है क्या, उसके बेसिक चीज़ें, बेसिक क्या होता है। तो अगर आपको हार्डवेयर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर को ऐसे बोल सकते हैं जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है, सही है, गलत नहीं है, क्योंकि जिसको छू सकते वो हार्डवेयर है, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये एक्चुअली क्या ना, एक सटीक वे में, एक प्रोफेशनल वे में इसका जो आंसर मिलना चाहिए ना, उस टाइप का आंसर मज़ा नहीं आता इस तरह का, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। तो इसको इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा कंप्यूटर से हम कोई भी स्पेसिफिक काम करवा सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को या कंप्यूटर से किसी भी स्पेसिफिक काम को करवा सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने बताया कि आप उसको छू तो सकते नहीं हैं। अब एग्जांपल अगर देखें तो सपोज दैट कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हालांकि सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है लेकिन हम अभी उतना अंदर नहीं जाएंगे, जब सॉफ्टवेयर का क्लास करेंगे ना तब हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। अभी सिर्फ देख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, वर्ड से रिलेटेड जितने काम होते हैं वहाँ पर कर सकते हैं, शब्दों के साथ खेल सकते हैं। एक्सेल डेटाबेस बनाने के लिए इससे बेहतर और आपको कंप्यूटर में और फ्री में नहीं मिलेगा कोई सॉफ्टवेयर। क्रोम हो गया, जैसे हमारे जो गूगल क्रोम का बात करते हैं, तो गूगल क्रोम क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से लाखों करोड़ों अरबों सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि
कंप्यूटर जो मुख्यतः मेन जो होता है इन दो चीजों से मिलके बना होता है, एक होता है हार्डवेयर पार्ट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। और जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक किसी भी कीमत पे कंप्यूटर सक्सेसफुल नहीं काम कर सकता है। सो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक चीज कि और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों, आपका सपोर्ट हमको और मोटिवेट करता है ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।